लेकिन शाम होते ही यहाँ पे बाघ निकलने शुरू हो जाते हैं। सुमन टी स्टॉल परसुंडा खाल, और सुमन भाई के ये बना रखी मिठाइयाँ। सूर्यदेव जी अस्त हो गए यहाँ पे, नलई गांव में बिल्कुल अंधेरा हो गया है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, और स्वागत है आपका आज एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है हमारे गांव से। तो गांव में आज हमारे भाई साहब हैं, उनकी बरसी की तैयारी हो रही है, बरसी आज उनकी। तो यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है गाँव के लोगों के लिए, और पंडित जी वगैरह जो भी हम जमाते वगैरह उन सबके लिए खाना बन रहा है। तो दिखाते हैं, अभी 10:30 का वक्त हो रहा है और अच्छी खासी धूप लगी है, बहुत बढ़िया धूप लगी है। धूप में बैठने का बहुत मन कर रहा है यहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं इस टाइम गांव का नज़ारा भी। और यहाँ पे हो रहा है बरसी का खाना तैयार, सूजी बन रही है, नज़दीक से दिखाता हूँ, नज़दीक से ये सूजी। अरे नहीं, हमारे खनसामा कमलू, ये पड़ गया सूजी में, गुड़ का पानी, और ये ड्राई फ्रूट। और ये हमारे पंडित जी, तो ये है हमारा गांव ऊपर की तरफ इधर, और यहाँ जंगल ऊपर की तरफ पहले भी दिखा रखा, लेकिन आज इस टाइम धूप, यहाँ पे सूर्य भगवान जी आ चुके हैं बिल्कुल ऊपर। तो कुछ इस तरह से नज़ारा है, अभी बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। ये सामने के नज़ारा हमारे गांव के, और एक कांडे गांव इधर, और यहाँ पे खाना पीना बन रहा नीचे। कल गांव में जो है ना, खेत खलियान खाली हो रखे हैं अभी, इनमें हल लगेगा आगे, फिर उसके बाद फसल की जो भी बुताई होगी, तो खाली हो रखे हैं आजकल खेत सारे। ये देखिए, इधर तो शहर बंजर ही है, इस तरफ तो सारा बंजर पड़ा हुआ है ये इलाका पूरा। और बाघ वाघ घूमते हैं इस तरफ पूरे, दो दो तीन तीन बाघ घूमते रहते हैं, दिन में भी 8-9 बजे भी आपको नज़र आ जाते हैं। वो पूरा जंगल सा हो गया गदेरा हमारा ये। पहले इस गदेरे में इतना साफ़ सुथरा होता था कि आराम से लोग जाते आते रहते, लेकिन अब इतना झाड़ झंकाड़ हो गया ना, कोई गदेरे के अंदर एंटर नहीं हो सकता। सगोड़ों में हमारे जो सगोड़े होते हैं, इस तरह से आजकल लोगों ने उनमें सब्जियां वगैरह उगा रखी हैं, हरी हरी सब्जियां लगी हुई हैं। देखिए मिठू भात, मीठे चावल और वाइट चावल, ये दाल बन गई। 2:50 हो गए हैं और खाना पीना अपना हो चुका है थोड़ी देर पहले, और इस टाइम ना बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, और सूर्यदेव जी भी इधर की तरफ अस्त हो गए हैं। और अब गांव में ऐसा लग रहा है कि धूप ही नहीं है, सिर्फ धूप जो है पल्ली तरफ को है धूप, और टोपी उपी लगानी पड़ रही है अभी ठंड में, तरफ धूप है अभी, पल्ले छाल बोलते हैं हम इसको। और वहाँ की तरफ तो एक गांव उधर है और एक गांव रैदुल है, यहाँ इधर की तरफ धूप है अभी। हमारे गांव में पूरा ये छाया हो गई है, ये देखिए, ये हमारा गांव पूरी छाया हो गई है यहाँ पे। और यहाँ इन पेड़ों के पीछे सूर्यदेव जी अस्त हो गए, पहाड़ी के पीछे ले खच्चर वाला जा रहा है। दो तो खच्चर वाले जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ की सामान ढोने की सवारी, इन्हीं में सामान ढोते हैं, इन्हीं में आधी आधी बैठ के जा रहे थे, वॉक के लिए जा रहे हैं हम लोग, अब नलई खाल धूप सेकने के लिए ऊपर। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट पसुंडा खाल, और आज हम जा रहे हैं पैदल, गाड़ी गाड़ी से नहीं जाएंगे, ये हमारा पैदल का रास्ता है। थोड़ा आपको दिखाते हैं हमारे पुराने रास्ते हैं जो पैदल के, किस तरह के रास्ते हैं। और अभी हम आए खेत में, खेत से रास्ता है इधर से, पीछे से निकल रहा रास्ता,
भाई लोग चले गए और ये मेरे साथ है ये भाई इधर वो, और यहाँ पे थोड़ी गायें इकट्ठी हो रखी थी, हम थोड़ा देखने आ रखे थे गायों को। और यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है धूप में, देखो कैसे इकट्ठी हो रही है सारी की सारी गायें, है ना। तरह से ये रास्ते बने हैं हमारे, भैंसरो गांव आ गया अब यहाँ पे, भैंसरो गांव। और इसी गांव से हमारा ये रास्ता बना हुआ है पसंदाखाल मार्केट जाने का पैदल पैदल। रोड बन गई तो बस रोड से ही आना जाना हो गया था यहाँ पे, अब पहली बार ही आ रहे हैं, बहुत टाइम बाद, कम से कम 7-8 साल हो गए। मौसम इस टाइम ना बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। और ये देखो यादें, पुराना मकान, अब ये चद्दर का हो गया, पहले पठाले का मकान हुआ करता था ये जब हम छोटे थे। देखो ये भैंसरो गांव का आधा पोर्शन नीचे की ओर, और वो सामने रैदुल गांव, और एक घोड़ी खाल आली भ्यूनी। और अभी हमने सामने की तरफ जाना उधर, और उसके पीछे की तरफ फिर नीचे की ढलान है, यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं हम, और इनकी वजह से ये रास्ते मेंटेन भी नहीं हो रहे, जो लोग चलते नहीं है तो इन रास्तों को मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है ना, क्योंकि लोग अब शॉर्टकट रास्ते ही हैं लेकिन सड़क का रास्ता चूज़ करते हैं लोग जाने के लिए भी, मार्केट वगैरह या कहीं और। सुरेंद्र भाई आगे जा रहे हैं हमारे, और दो लोग आगे चले गए, वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो, आगे पहुँच गए। करीब करीब आधा रास्ता तय हो गया हमारा, और आधा ही और रहता, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और थकान भी सी होने लग जाती थोड़ा इतना चल के ना। लेकिन हालांकि चढ़ाई वाला रास्ता नहीं, सीधा सीधा रास्ता है इस तरह से, तो इतनी थकान नहीं होती, बट आदत नहीं इतना चलने की, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। और ये नीचे यहाँ पे पानी का टैंक बना हुआ रैदुल गांव के लिए, सोलर लाइट, सोलर सिस्टम भी लगा हुआ, वहाँ से उसी से पंप से ऊपर गाँव है वहाँ पानी चढ़ाया जाएगा। और कुछ मछली वछली पालने के लोगों ने तालाब भी बना, पॉन्ड बना रखे यहाँ पे ये तालाब इस तरह से। और सामने भी ये रास्ता इधर का पसंदा खाल जाने का एक पैदल रास्ता दूसरा, अभी भैंसरो गांव पीछे छूट चुका है, और अब हम आ गए हैं धन के दिन बोलते हैं इस जगह के लिए, आगे वहाँ की धार दिखाते हैं आपको। आजकल पैदल जाते हो ना बाघ का डर लगता है ना, तो बस वही है, इसलिए लोग पैदल जाने से थोड़ा डरते हैं लोग अकेले अकेले में। लेकिन अभी दिन का टाइम है, लोग इधर उधर खेतों में काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़रा हिम्मत बन जाती है, अकेले आने में तो बहुत डर लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैं कहां से आया हूं अभी पीछे, और आगे दिखाऊंगा अभी कहां से कहां तक जाना मेरे को। देखो अभी पीछे, इसके पीछे से मैं आ रहा हूं पैदल पैदल चलते 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 इधर से, और यहां पे पहुंचूंगा अभी यहां पे, और ये भैंसरो गांव सामने। इस तरह से नज़ारा भी खूबसूरत, देखो ये खेत हैं भैंसरो गांव के, खूबसूरत। और ये ऊपर की तरफ तो जैसे होता है जंगल पहाड़। तो क्या हुआ भाई, हम तो वीडियो बनाएंगे। ये देखिए रास्ता, खूबसूरत जंगलों के बीच में बड़ा मज़ा आता है ऐसे इस रास्ते पे जाने में इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा ढलान शुरू हो जाएगी अभी, उस तरफ वो मार्केट दिखाई दे रही है वहाँ जाना भी हमारे को, पसंदा खाल इस मार्केट के जाना हमारे को। और ये रोड है सामने, इधर से रोड जा रही है ऊपर से, ऊपर से हमने रोड पे आना था इस टाइम गाड़ी में अगर आते तो। और यहाँ देखिए चीड़ के पेड़, पहले लोग दिन में भी इस रास्ते से आते हुए डरते थे, अकेले अकेले कोई इस रास्ते पे आता नहीं था इधर। ये देखिए अब यहाँ से नीचे की ओर जाना हमें ढलान की ओर, इस तरह से नीचे ढलान का रास्ता बिल्कुल। ये रास्ता फिर आनी हम था नहीं, कई साल हो गए इस रास्ते से आए हुए, बचपन में ही आया करते थे इस रास्ते से, उसके बाद तो याद नहीं कि कभी हम जब से बाहर गए दिल्ली वगैरह में गए हैं।
अभी ढलान की तरफ तो वैसे थकान नहीं लग रही चलते हुए, लेकिन पैर थोड़ा कांपते से हैं अभी। वैसे दिन के टाइम तो खैर मुश्किल चांस है दिखने के, लेकिन शाम होते ही यहाँ पे बाघ निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सब बाघ बाघ का एरिया है, इधर झाड़ियाँ नीचे ना, इनमें बाघ बैठे रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने नीचे गायें भी मार रखी थी। अभी हम दोनों ही लोग हैं। अब यहाँ से नीचे आ गई रोड, ये रही रोड, और वो पुल बना हुआ सामने, और सामने की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर शॉर्टकट मारेंगे ऊपर की तरफ। या नीचे गदेरा भी है, ये बन रहा है, पंप लगेगा वहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए। और ये नदी हमारी झाड़ियों से पट गई है, पानी कम हो गया है। और इधर यहाँ पंप स्टेशन बनेगा, यहाँ पे पंप वगैरह लगेंगे पानी चढ़ाने के लिए ऊपर पसुंडा खाल मार्केट के लिए, और फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा यहाँ पे। आएगा रास्ता हमारा ब्लॉग। और देखो हमारे सीनियर सिटीजन रावा जी इंतजार कर रहे हैं, हमसे पहले आ गए। यहाँ थकान होती है चढ़ाई पे, चढ़ाई का रास्ता पर पसुंडा खाल। और हमारे दो बिछड़े साथी थे जो आगे चले थे, वो भी मिल गए यहाँ पे हमारे को। पसुंडा खाल मार्केट पहुंच गया भाई हम। और ये हमारे सुमन भाई की दुकान यहाँ पे। सुमन टी स्टॉल प्रसुंडा खाल। और सुमन भाई के ये बना रखे मिठाइयाँ, नमक पारे, लड्डू। और यहाँ पे हम बैठे पटवाल जी के रेस्टोरेंट में चाय के लिए, चाउमीन मोमोज खाने के लिए। नलाई खा सूरज देव जी अस्त हो गए यहाँ पे। नलाई गांव में बिल्कुल अंधेरा हो गया है, शाम ढल चुकी है। और यहाँ पे टावर के लिए लाइन वगैरह लग रही है, तार बिछ रही है, एक पोल लगे हुए नलाई गांव में, टावर लग रहा है BSNL का। ये है